हेलो मैम, या वेरी गुड इवनिंग पूजा, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। आज व्हाट मैं एक हैपेंड? नए टॉपिक के साथ आपको कुछ जानकारी आपसे लेना चाहूंगी। जैसे कि हाँ पूछिए। कल मैम आपने बहुत सारे लॉज बताए थे वुमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए, हाँ राइट तो उसमें राइट। आपने जिक्र किया था डॉरी सिस्टम के बारे में, तो क्या आप उसकी पूरी डिटेल्स हमें बता सकती हैं मैम? जी हाँ, ऐसा है कि जो डाउरी है वो एक प्रथा है, जैसे मैंने कहा था वो एक मिसफिट है, क्योंकि जैसे ही गर्ल चाइल्ड घर में पैदा होती है तो घर के लोगों को के मुंह बन जाते हैं बड़े बड़ों के कि अरे लड़की हो गई है, अब इसके फ्यूचर के लिए हमें दहेज इकट्ठा करना होगा। जैसे ही वो पैदा हो जाती है, माँ बाप को या घर के लोगों को चिंता में हो जाता है कि इसको हम दहेज देना है, राइट इसके लिए मैम। हम इकट्ठा करना है। तो मैं एक बोलना चाहूंगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम कितने लोगों को हम रोकेंगे कि दहेज मत लीजिए, दहेज मत दीजिए, दहेज मत लीजिए, ये जो हिंदू का जो डाउरी एक्ट है, जो जो 1961 में जो है, मैंने जैसे उस दिन बताया था, या तो ऐसा मैम है कि अगर हम अपने अगर हमारे हमारे घर एक कन्या का जन्म होता है, तो हम अगर सोच ले कि हमें इसे इतना ग्रूम करना है, हमें इतना उसको सक्षम बनाना है, उसकी उसको पढ़ाई करानी है, उसको उसके पाँव पे खड़े होना है, उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि बेटा ये तेरा घर नहीं है, अभी तूने चले जाना है, तो उसको इतना काबिल बनाना है कि वो अपने आप उसके जो रिश्ते होंगे उसके आपके घर के बाहर खड़े आ जाएंगे लोग आप उस लड़की को लेने के लिए। क्योंकि दहेज में ऐसा है कि सोफा देना है, टीवी देना है, ये सब देना है। अगर वो लड़की इतनी काबिल है और अपने पाँव पे खड़ी और काम कर रही है, तो अपने आप घर में बरकत आ जाएगी, वो काम करेगी, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगी। क्योंकि लड़की अगर है तो ही आपका जो कुल है वो आगे बढ़ेगा ना। सही क्योंकि बात है बीच मैम। में 1980s में ये हो गया था कि फीमेल 40 साइड को जो है उसको मतलब जड़ से ही लड़कियों को मार दिया जाता है, और ये टेस्ट हुआ करते थे जो इलीगल थे। लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे कि अभी आज का जो सेंसस है वो 943 गर्ल्स अगेंस्ट 1000 बॉयज है, तो ऑलरेडी ये गिर रहा है स्तर कि लड़कियां कम है और लड़के ज्यादा है। एक दिन ऐसा आएगा कि लड़के वालों को दहेज देना होगा कि अगर उन्हें बहू लेके आनी है तो, है ना राइट। तो सही मैं बात। चाहूंगी कि हम ऐसा उल्टा सोचे कि अगर हमारे घर पे कन्या का जन्म हुआ है तो एक तरह से वो लक्ष्मी है, घर का वातावरण अच्छा होता है, हर माँ बाप में खुशियां लेके आती है, बहन भाइयों से प्यार करती है, माँ बाप को सपोर्ट करती है। हाँ, तो माँ बाप का फर्ज है कि उस लड़की को इतना आगे बढ़ाए, उसको इतना मतलब काबिल बनाए कि उसको किसी ऐसे दहेज वहेज देने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ये चीज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि भाई हमें अपनी लड़की को दहेज देना है, ओके कि हमें लेना है, हमारा बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, अभी इसका इसकी वैल्यू ये है, तो दूल्हा बिकता है आजकल। लेकिन अगर लड़की खुद इतनी काबिल है तो वो ना कर सकती है ऐसे रिश्ते को, उसको अपने अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि अगर अगर उसे जीवन साथी की जरूरत है तो उसको उसके पैसे के नहीं, उसकी काबिलियत की और कदर है, और अपने टैलेंट पे वो अपने जीवन साथी को तलाश कर सकती है। थैंक यू व्यूअर्स, मैं चाहती हूँ कि आप मेरा प्राइम रोज न्यूज जो यूट्यूब पे जो चैनल है सब्सक्राइब करिए, और मैं इसी तरह छोटी छोटी बातचीत लेके, छोटे छोटे टॉपिक्स लेके आपके सामने पेश हो जाऊंगी, और यकीन है कि आप मेरे को बहुत सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।